ओनिडा इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर ये कंपनी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, हर एक सेगमेंट के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट हुआ करते थे और दबा के बेचते थे। बट आज के डेट में ये कंपनी अपनी मार्केट को रिटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। फेल हो चुकी इंडिया में 5 रीजन से इसकी वजह से कंपनी फेल हुई। इस वीडियो के अंदर समझेंगे। मेरा नाम ऋषिकेश, आप देख रहे हैं व्यापार। सबसे पहला रीज़न है इंटेंसिव कॉम्पिटिशन। अब बेसिकली सैमसंग, सोनी, एलजी जैसे रिप्यूटेड ब्रांड प्रोडक्ट क्वालिटी और ब्रांड प्लस पैसा सभी ज़्यादा हो, इसके वजह से ओनिडा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया कि वो अपने प्रोडक्ट को इनोवेट ही नहीं कर पाए, इनके साथ टाइप करना या फिर इनके साथ फाइट करना इनके लिए बस की बात हो ही नहीं रही थी, क्योंकि ये बड़ी प्लेयर्स काफ़ी हद तक मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे थे एडवर्टाइजिंग से प्लस अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी से। सेकेंड रीज़न ओनिडा का फेल होने के पीछे ये था कि कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के साथ कीप अप नहीं कर रही थी, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर रही थी, जिसके वजह से अल्टीमेटली जो कस्टमर टेक से भी था जो ओनिडा के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था बट ओनिडा टेक नहीं दे रहा था, दूसरी कंपनी टेक से भी नए नए फीचर्स दे रही थी, तो वो कस्टमर ओनिडा से टूट गया और सैमसंग, एलजी और सोनी के साथ शिफ्ट हो गया। तीसरा नेगेटिव पब्लिसिटी। अब बेसिकली होता क्या है, लोग कहते हैं कि भैया अब मार्केटिंग वगैरह जो है उसमें ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, मार्केटिंग मार्केटिंग होती है। ऐसा नहीं होता भाई, ओनिडा अपनी कंटेंट क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन ही नहीं कर पा रहा था, कंसिस्टेंटली उसे स्टैंडर्ड्स को डिक्रीज करते जा रहा था, ना कि कॉन्स्टेंटली स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते जा रहा था, जिसके वजह से जो कस्टमर पहले ओनिडा का प्रोडक्ट को रिकमेंड करता था वो अब कहने लगा कि भैया ओनिडा का प्रोडक्ट मत ले, सैमसंग का ले, वीडियोकॉन का ले या किसी और कंपनी का ले, लेकिन ओनिडा का मत ले, जिसके वजह से कंपनी का काफ़ी नुकसान हुआ। फोर्थ रीज़न लैक ऑफ इनोवेशन। कंपनी नए प्रोडक्ट्स इनोवेट ही नहीं कर रही थी, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च ही नहीं कर रही थी, क्योंकि कंपनी ने कोई R&D सेटअप ही नहीं की, इस कंपनी के पास कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की टीम ही नहीं थी। बट अगर कंपेयर करें सोनी, एलजी, सैमसंग, इनके मैसिव बजट्स हुआ करते थे R&D के लिए, जो कि इनको अगेन अपर हैंड देते थे ओनिडा के ऊपर, जिसके वजह से ओनिडा अगेन पीछे हो गया। फिफ्थ रीज़न है वो है नो ब्रांड अवेयरनेस। अब बेसिकली इनके जो एड कैंपेन्स थे वो बेसिकली किसी काम के थे ही नहीं, क्योंकि वो यूज़र की अटेंशन को ग्रैप ही नहीं कर पाते थे, जिससे ब्रांड की अवेयरनेस बिल्ड नहीं हो रही थी। वही सैमसंग, सोनी दबा के ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अटेंशन, ब्रांड कैंपेन, ऐसे ऐसे अटेंशन ग्रैप कर रहे थे जिसकी कोई हद ही नहीं। एक ऐड आपको बताता हूँ, बेसिकली जब सैमसंग की LED TV की सेल्स डिक्रीज हो रही थी तो उसने देखा कि ये सेल्स डिक्रीज क्यों हुई, तो उसको पता चला कि एक्चुअल में LED TV जब ख़राब होते हैं तो उनके पार्ट्स को रिप्लेस करना काफ़ी महंगा होता है, तो लोग बेसिकली अपने TVs को अपने नेबर के यहाँ पे या फिर अपने जो नियर बाई इलेक्ट्रॉनिशियन होता है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होता है, उसके यहाँ पे लेके जाते हैं, रिपेयर करता है। अब वो बंदा वहाँ पे फॉल्टी चीज़ें बिल्ड करता है, ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, जिसके वजह से इन सेल्स की, इन टीम की आई जो LED TVs थी इनकी सेल्स काफ़ी डिक्रीज होने लगी, जिसके ऊपर कंपनी के टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि भाई ये सेल्स हो क्यों नहीं रहे, डिक्रीज क्यों हो रहे। तो इन्होंने बेसिकली कंपनी ने अपनी खुद की एक कस्टमर सर्विस लॉन्च की, जहाँ पे ये कंपनी खुद कस्टमर्स के घर पे जाके उनके TVs को रिपेयर करती थी और ताकि उनका इंटरनेट, उनका कन्वीनियंस बना रहे, और इस पूरे सेक्टर के ऊपर, इस पूरे प्रॉब्लम के ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजिंग बिल्ड कर दी और इनकी सेल इंक्रीज हो गई, जहाँ पे ओनिडा अपनी मार्केटिंग को अपने कस्टमर्स के अटेंशन ग्रैप कर ही नहीं पा रहा था, उसकी मार्केटिंग इतनी वाहियात बन चुकी थी। ये 5 रीजन थे जिसकी वजह से ओनिडा फेल हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, तब तक चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।